आप क्या अपनी डिवोर्स के बारे में बात नहीं करना चाहती पब्लिकली, या आपने किसी को बताया नहीं खुद से? एक्चुअली बहुत साल हो गए इस बात को, और हमारा जो पूरा क्लैन है, जैसे हम लोग हैं, मेरी दोस्तें और हैं, रुबीना अशरफ हैं, समीना अहमद हैं, सबा हमीद हैं, बद्दो हैं, उज्मा साहिबा हैं, उज्मा गिलानी साहिबा, तो ये एक पूरा, हम तो, वो तो खैर हमसे बहुत सीनियर है, हम तो उनको देख कर हम काम करते रहे, उनको देख कर हमने आइडियलाइज़ किया, हमने फैमिली लाइफ, बच्चों के साथ एक अच्छे इमेज के साथ, पी टी वी के ज़माने में ऐसे था, शकील साहब हैं, बहरोज़ हैं माशाल्लाह, तो हम लोगों की एक फैमिली लाइफ की एक ड्राइंग है जो कि सबके सामने है, और उसमें जब कोई थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है तो लोग, चूँकि मैं लोगों को ब्लेम नहीं करती, मुझे गुस्सा भी नहीं आता, इसलिए कि लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक ज़माने में, अब तो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी के पर्सनल बात करती नहीं थी, जमाल शाह और हमारी फ़रयाल कितने प्यारे दोनों कपल थे, इसी तरह ताहिरा सैयद और नईम बुखारी साहब का खूबसूरत कपल थे, जब वो अलग हुए लोगों के दिल टूट गए, दुख लग गया लोगों को, किसी ने किसी को बुरा नहीं कहा, ना लोगों ने कहा कि ये बड़ी ख़राब थी या वो बड़ा ख़राब था, किसी को पता भी नहीं होता पर्सनली किसी की क्या प्रॉब्लम है, वो एक्टर्स की, वो सिंगर्स की ही नहीं होती, सिर्फ वो बैंकर्स की भी होती है, इश्यूज़ डॉक्टर्स की ज़िंदगी में भी होते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो मुझे लगा कि ये ऐसी पर्सनल बात आवाम से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सही,